नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मकर संक्रांति का त्योहार स्नान दान पूजा और तर्पण का दिन माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दिन किया हुआ दान कई हजार गुना फल देता है, लेकिन दोस्तों इस दिन की हुई गलती उतनी ही बड़ी सजा बन सकती है। दोस्तों, दान करने के पहले आप जरूर जान लें कि किन किन चीजों का दान हमें किसी भी पवित्र दिन नहीं करना चाहिए। वैसे दोस्तों, तिल का दान हुआ, गुड़ का दान हुआ, कपड़ों का दान हुआ, ये सब दान जो है हमेशा शुभ फलदायी होती है। अब हम जानेंगे दोस्तों कि हमें किन किन चीजों का जो दान है वो करना नहीं चाहिए। उम्मीद है सबसे पहले चीज है उसमें दोस्तों झाड़ू। झाड़ू माँ लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है दोस्तों, इसलिए कभी भी झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। झाड़ू का दान सिर्फ मंदिर में दीपावली के समय में गुप्त दान के रूप में आप कर सकती हैं। इसके अलावा कहीं पर भी आपको झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। इवन आप झाड़ू जो पुरानी जैसे हो गई है उसे फेंकना भी पड़ी तो झाड़ू को खोल कर ही फिर फेंके। कभी भी बंधी हुई झाड़ू को आप कभी भी ना फेंके और किसी को देना भी बिल्कुल भी नहीं है। आपको कभी भी झाड़ू को नहीं देनी दोस्तों। मकर संक्रांति के दिन ऐसी गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना आती हुई लक्ष्मी आपके घर से वापस चली जाएंगी। दूसरी चीज है दोस्तों, पुराने कपड़े। कई कई बार क्या होता है दोस्तों कि लोग जो है पुराने कपड़ों को इकट्ठा कर लेते हैं और मकर संक्रांति के दिन जो उन कपड़ों को लेकर निकलते हैं, क्योंकि इस दिन जो भी भिखारी या गरीब लोग हैं, जो भी जिनको जरूरत है वो लोग घूमते रहते हैं, उनको पता है कि आज के दिन लोग दान करते हैं। तो जो पुराने कपड़े जो लोग लेके निकलते हैं उनमें भी दान करने को निकल जाते हैं, तो ऐसा काम नहीं करना है। अगर आपने मकर संक्रांति के दिन दान करना है तो आप नए कपड़ों का ही दान करें। इस दिन आप को भी पहने हुए पुराने कपड़ों का दान ना करें। दोस्तों, आपके पास पुराने कपड़े रखे हैं तो किसी और दिन ऐसे ही आप किसी को, गरीब को, जरूरतमंद लोगों को दे दें, लेकिन किसी पवित्र दिन, किसी पूजा के दिन, स्पेशली मकर संक्रांति के दिन आप पुराने कपड़े किसी को भी ना दें। तीसरी चीज इनका हमें ख्याल रखना है दोस्तों, वह है बचा हुआ तेल। नॉर्मली जो सरसों का तेल होता है बहुत अच्छा माना जाता है, शनि की दशा को दूर करने का बहुत ही सटीक और आसान उपाय समझा जाता है। सरसों के तेल का दान करने से शनि की दशा जो है वह दूर होती है और जो भी दशा चल रही होती है उसका प्रभाव जो है हमसे कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके विपरीत अगर आप बचे हुए तेल का दान करती हैं तो इसका बहुत ही हानिकारक हो सकता है आपके लिए। विशेषकर किसी स्पेशल डे में, किसी पूजा के दिन में, मकर संक्रांति के दिन में आप बचे हुए तेल का दान बिल्कुल ना करें। आपने दान करना है तो फ्रेश तेल का ही दान करें। अगली चीज है दोस्तों, प्लास्टिक और स्टील के बर्तन। बहुत से लोग का नियम होता है दोस्तों मकर संक्रांति के दिन दान करने का, तो वह कोई ना कोई हर साल कुछ नया आइटम सेलेक्ट करते हैं दान करने के लिए। तो बहुत से लोग कई बार क्या करते हैं, प्लास्टिक के लंच बॉक्सेस में, स्टील के बर्तन में को ले आते हैं, कोई सस्ते पड़ते हैं और आसानी से जो बांटे जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये गलती कभी भी नहीं करनी है। अगर आपने मकर संक्रांति का दान करना है तो आप कंबल का दान कीजिए, तिल का दान कीजिए, गुड़ का दान कीजिए, लेकिन प्लास्टिक या स्टील के बर्तनों का दान नहीं करना है, लोहे का दान नहीं करना है। ये आपके लिए जीवन पर बहुत भारी पड़ सकता है दोस्तों, इन चीजों का दान बिल्कुल नहीं करना है। अगली चीज है जिनका दान हमें नहीं करना चाहिए, वह है दोस्तों धागा, सामान्य ऐसे सामान जिससे चोट पहुंचे, जिससे हिंसा होती है, चाहे वह चाकू हो, चाहे वह कैंची हो या अन्य कोई काटने का सामान। दोस्तों, इन सब चीजों का दान हमें नहीं करना चाहिए। वैसे इन अहिंसक चीजों का दान नॉर्मल डेज पर भी कभी भी आपको चाकू, कैंची या किसी को नहीं देनी चाहिए, ना ही किसी से लेनी चाहिए। अगर आप किसी से मंगवाई है तो उन्हें पैसे दे दीजिए, परचेज कर लीजिए, लेकिन किसी से दान के रूप में आप चाकू, कैंची ये सब चीजें जो है बिल्कुल भी ना लें।
दोस्तों इन सब चीज का दान दोनों पर भारी पड़ता है, लेने वाले पर भी और देने वाले पर भी। ध्यान रखें दोस्तों कि दान से जुड़े इन छोटी छोटी बातों का और मजा लीजिए अपने मकर संक्रांति का और जो आपके जीवन में लाने वाली है अपार खुशियां। क्योंकि दोस्तों मकर संक्रांति के स्नान में मकर संक्रांति दिन से उत्तरायण चालू हो जाता है और उत्तरायण का समय होता है शुभ शक्तियों का समय होता है, देव शक्तियों का समय होता है, सभी नए कामों को शुरू करने का समय होता है। तो दोस्तों कर लीजिए अपने मन को शरीर को तैयार और पुष्ट और सभी शुभ कार्यों का करने के लिए एंजॉय कीजिए अपने लाइफ को। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।